संचित ऑलरेडी आके चला गया है। अरे भाई ये क्या था? वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बाबा पैंचो एंड बहुत बढ़िया वाली गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बिकॉज यार आज सीरियसली बहुत जल्दी मॉर्निंग हुई है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज टुडे वी आर गोइंग समवेयर लाइक वेयर आई लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट कोलैब ऑफ आर चैनल आपले मालवण चो एक यूट्यूबर असा आणि एकदम ही इज द बेस्ट इन हिज फील्ड तो उससे हम लोग मिलने जा रहे हैं। बहुत टाइम से हम लोग का चल रहा था कि मिलेंगे बट कुछ रीज़न की वजह से हो नहीं पा रहा था, आज फाइनली हो गया है। कौन है बंदा, क्या करता है सब जानेंगे बट उससे मिलने के बाद में। तो अभी निकलते हैं फटाफट, इट्स ऑलमोस्ट 8:00 इन द मॉर्निंग, तो अभी फटाक से निकलते हैं और बीच में ऑन द गो क्या क्या मिलता है हमें ट्राई करेंगे शूट करने के लिए। अभी हम लोग जाने वाले हैं टूवर्ड्स आचरा, मतलब टूवर्ड्स क्या आचरा में ही जाने वाले हैं, तो लेट्स गो। ये इधर मेरे को ऑन द वे एक खेत दिखा और उस खेत में सारे के सारे सनफ्लावर्स हैं, मतलब पूरा सनफ्लावर से भरा हुआ है। अभी मैं वहाँ पे नीचे उतर नहीं सकता बिकॉज हम लोग को आगे जाने के लिए लेट हो रहा है और थोड़ा दूर है, बट यहाँ से आपको दिखाने को ट्राई करता हूँ। कोकण में सनफ्लावर्स दिखना इट्स वेरी रेयर, रेयर मतलब बहुत ज़्यादा रेयर है ये। तो भाई लोग आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बीच में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए बिकॉज हम लोग को लेट हो गया था और हमें जिनसे मिलना था हिज नेम इज संचित ठाकुर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन हिज फील्ड बिकॉज वो जो कंटेंट दिखाता है भाई दैट इज़ मोर क्लोज टू मी। और बंदा दिखाता है केव्स एंड मिस्टीरियस प्लेसेस इन कोकण एंड मालवंस रीजन, तो ये भाई सब इतना सही है, मतलब हर जगह पे जा जाके सब पहाड़ चढ़ेगा। तो दिस इज संचित ठाकुर। हेलो, ये भाई को अगर आप लोगों को किधर भी केव्स या फिर अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस दिखने, अनएक्सप्लोर्ड कोकण देखना है और Mysterious places. देखनी है तो ये भाई है अपना संचित ठाकुर ब्लॉग्स करके इनका चैनल है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे जाइए और फटाक से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए बिकॉज मैं खुद इनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत टाइम से इनके पीछे भी लगा हूँ कि हम लोग एक कोलैब करते हैं करके। बट जब मैं फ्री था तब ये बिजी थे, जब ये बिजी थे तब मैं ऐसे, मतलब सब 19-20 चल रहा था, आज फाइनली मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज भाई हमें लेके जा रहा है ऐसी एक अनएक्सप्लोर्ड जगह पर, अपन आचरत होता, हाँ मी आहोत आता आचरत आणि आचरत इलो आम्ही गादववाडी, गादववाडी थोडस वेगळंच नाव आहे पण हाँ। तो यहाँ पे इन्होंने एक जगह ढूंढ निकाली है, एक केव ढूंढ निकाली है। भाई सुबह निकले थे, अभी पहुंच रहे और ऑलमोस्ट बज रहे है 11। यार रास्तों ने बैंड बजा दी, बहुत गंदे रास्ते। तो अभी मैं और एक चीज़ डिस्क्लेमर में डालना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि भाई यहाँ से आगे व्लॉग मालवनी में भी हो सकता है, व्लॉग मराठी में भी हो सकता है और हिंदी में शायद हो सकता है, तो माफ़ कर देना। एक अंकल दिख रहे जो इसी गांव के लग रहे हैं, काका नु वही तेरे कुड़े का है गुहा गुहे बदल दूंगा था माइक ना दुकान ना है भाई पुढ़े गुहा ना है ना कितनी लंबा से ली कितनी लंबा है ना तो बगा वो रिश्ता होय तो हां जाओ पुढ़े जाओ जाओ है तेरी कितनी एक अर्धा तास लगा तेरे दो तास लगता लगता लो तुमका काय माहिती आहे त्याच्याबद्दल काय म्हणतात त्या गुहेबद्दल नाही आम्ही तिकडे जातच नाही त्या बाजू जायत नाही
तुमचं नाव काय? आमचा विष्णू सखाराम रुके. रुके, तो ये अंकल है जो इधर के ही गांव वाले हैं, ये जो पीछे गादववाड़ी है यही के रहने वाले, बट वो भी यही कह रहे कि उस गुफा के बारे में मुझे ज़्यादा पता है नहीं. ये अंकल को मालूम नहीं तो क्या हुआ. अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे एंड वील एक्सप्लोर दैट प्लेस. देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है, मिलता है और कितनी पुरानी गुफा है. मतलब मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ बट देखते. 20 minutes later. पूरा ओपन मारन है बाबा, है ना, है खाली उतरान गेले थे गेले खाए. या तो भाई भी हम लोग पहुंच गए हैं. ओह तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए. ये जो मेरे पीछे जो ये गुफा है, दिस इज अंदर बहुत ज़्यादा डीप दिख रही है और इसको ढूंढने वाले इंसान. अरे किधर गए? अच्छा इधर है. तो मैंने ढूंढा नहीं है, ये यहाँ पे थी, मैं जस्ट आपके साथ लेके आया हूँ. तो लोकल लोगों को पता थी लेकिन बाकी आसपास के विलेजर्स को नहीं पता थी. फॉर अस, हम लोग आपको ही क्रेडिट देंगे. सही है. तो अभी जाते हैं हम लोग अंदर, देखते हैं क्या क्या है. चलो भाई लोग, नाउ वी आर फुल्ली गियर्ड अप. टॉर्च लग गई है, भाई के हाथ में भी टॉर्च, डैडी के हाथ में भी टॉर्च. अभी जाते हैं. यहाँ पे पूरा डिप, ये है. यहाँ पे बैट्स भी है अंदर. भाई साहब ऑलरेडी अंदर घुस चुके हैं. सांबरन बाबा एक पार्ट मध्ये क्लियर है, तो आपल्याला अजून त्या एक दोन ठिकाणी जायचं आहे. तो नक्की काय हे माहिती नाही, कारण आपल्याला भरपूर सारे इथे खांब दिसतात. साळींदराची हे पण होय अगर आप लोग देख सकते. हाँ ये देखो, तो पॉक्यूपाइन के यहाँ पे ये गिरे हुए हैं. एक सेकेंड, ये देखिए, तो ये है पॉक्यूपाइन के स्पाइंस. और भी है वहाँ पे आगे. आम गावक साळींदर म्हणतात, साळींदराची पिसात नहीं शेला शेला शेला. बाबांका मालवणी माझ्यापेक्षा जास्त आहे, माका वाईस वाईस येतात. तर वाय वाय मॉप पडलेली आहे तो भगू गया. और अंदर जाना थोडा डेंजरस लग रहा है बट देखते ट्राय करते. ये देखिए, ये देखो, ए बघा पाके असं थोय मॉप अदरे. तो ये भी एक पांडवकालीन गुफा है, अच्छी खासी अंदर तक ये कार्व्ड है और बहुत बड़ी है यार. देखो यो बो यो बो यो आज गायब. तो ये बाजू में हम लोग को एक डीप होल दिख रहा है वहाँ पर, पता नहीं वो कहाँ पे जाता है, पर वहाँ पे बैट्स बहुत ज़्यादा है. तो हाँ, संचित ऑलरेडी आके चला गया है. अरे भाई ये क्या था? वट वागू लीला. तो ये भाई साहब ऑलरेडी गया, एक बैट ऑलरेडी बाहर आ गया, अभी मैं जा रहा हूँ उसके पीछे पीछे.
मध्ये पण एक टर्न आहे. होय येतो का बॅटरी दे. हो बॅटरी आहे आतमध्ये. बॅट आहे बॅटरी. बॅटरी मागव. इसको ऑफ सेंटर कर दे तो फिर बैठ यहाँ पे आए ना कि मेरे मुंह पे. मैं संचित के साथ अंदर घुस रहा हूँ. ये भाई साहब दिख रहे हैं. भाई साहब ऑलरेडी घुस चुके हैं. भाई लड़े ठंडा रे. ठंडा ओए ठंडा ओए. आ शाबाश. ओके आए क्या कूड़े. हाँ इतने आले एबल एबल ये आईज संचित पूरा यहाँ पे लेट गया. तो मतलब दूसरा इंसान कोई अंदर घुसे इतनी जगह है ही नहीं. उधर से एक इंसान जाए उतनी जगह है और आगे जाके ये गुफा डेड एंड हो गई है. तो हम लोग ने इस गुफा का जो डेड एंड है वो पक्का फिक्स कर दिया. मतलब ये और कहीं निकलती नहीं रहेगी. इतना शॉर्ट शॉर्ट है. ये है उस प्राचीन मानव के पैर और उस इंसान के पैर जो पहली बार इस गुफा में लगे और शायद आई थिंक आखिरी बार भी लगेंगे बिकॉज और कोई तो आने से रहा है यहाँ पे. बाप रे कोई नहीं. आई डोंट थिंक सो भाई. धमाका बाबू सा तू कस. अरे बाप रे भाई ये आते आते ऊपर से हमारे ऊपर ये गुफा ना आ जाए. अरे गुफा कोसू सकते है. अरे मैंने एकदम से ये पोकर आवाज तुम्हारा ही ठोकत होता ऐसे वो पत्थर में से टैप करके दिख रहा था. पोकर एकदम पोकर आवाज आ रहा है. मतलब कौन सरपटना प्राणी आना. ये हाँ ये गुफा में बहुत जन आते भी रहेंगे गांव वाले बिकॉज ये जो बैट की 42 नंबर होती है ना वो यहाँ पे नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर करके यूज होती है यूजुअली. ते मागे पण त्याकडे जेव्हा आपण इकडे एंट्रीला आलेलो ना तिथे पण खूप असं ताजी ताजी मतलब एकदम ताजा अभी निकला हुआ है भाई. ओ देखो आलो. किसी ने देखा है अटका हुआ संचित. आलो बाहर. बापरे अभी हम लोग वहां से बाहर निकले. और चलता है इकड़े तो है एक स्ट्रक्चर वाला ये एक जो बड़ा है ना ये दिख रहा है बट पास ठिकाने बन ले पे एंड हो रहा है ऐसे दिख रहा है. अभी हम लोग जस्ट थोड़ा आगे जाके आए बट वहां पे आगे कुछ है नहीं. ये लास्ट वॉल है वहां का. तो ये नेचुरल वॉल्स है और ये नेचुरल स्तंभ भी है यहाँ पे. बट ऐसे कोरलेले वाटता है असे म्हणजे बघ ना नक्की काय सांगू शकत नाही. हाँ मतलब इसके बारे में हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते. नॉलेज नहीं है भाई. तो अगर आर्कियोलॉजी वाले को जैसे संचित हर ब्लॉग में बोलता है अगर आर्कियोलॉजी वाले को अगर पता है और पता करना है तो यहाँ पे आइए. ये जो गुफा दिख रही है ये ऑलमोस्ट अभी ऐसे हम लोग को लग ही रहा है कि ये गिरने वाली बिकॉज ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े जो पापा दा रहे रखा इकड़े ये बड़े बड़े यहाँ पे रॉक अंदर ही अंदर गिर के गिरे हुए है. मतलब कब टूटे रहेंगे पड़े रहेंगे पता नहीं यहाँ पे. बट ये देखो इतने बड़े बड़े मतलब ऑलमोस्ट हमारे हाइट के. डैड वहाँ पे खड़े दिख रहे. डैड वहाँ पे खड़े और डैड के साइड डैड के लेवल की है वो. तो ये जो ओवर अ पीरियड म्हणतात ना नॅचरल डिझास्टर्स आणि नॅचरल काही ना काही कॅलॅमिटीज येऊन हे असं आतमध्ये नुकसान होत असणार या गुफेचं. हा इले अरे संचित को वहां पे कुछ मिला है तो दिखते वहां पे जाके. आर पार आहे. आर पार उजेड दिसतात आहे ना. उजेड नाही दिसत. उजेड दिसत मी गेलो असतो. उजेड नाही दिसत. रिस्क नाही पण ते छोट्या ह्याच्यातून जाऊ पण गावात नाही भेटणार नाही. ये संचित कब से कह रहा है ये हाथ में क्या क्या चिपक रहा है. तो ये शायद ये जो हाथ में ये जो दिख रहा है ये तो वो डैड कह रहे थे कि ओवर अ पीरियड यहाँ पे अंदर पानी गिर गिर के ये दिख रहा है. छोटा सा है ये जो होल्स है ये होल में से पानी आके शायद से फंगस पकड़ा हुआ है. तो ये भाई साहब अभी यहाँ पर भी घुस चुका है अंदर. बट सर ये देखो इसकी इसकी सर्कस जा रही है. ये देखो आलो एक नंबर घुसलस. ये बाबा माजे आलो इतना बड़ा इंसान घुस चुका है इसके अंदर. पूरी ताकत लगा दी है और घुस गया है अंदर. अभी मैं जा रहा हूँ इसके पीछे पीछे. चलो ट्राई करते हैं. ओ भाई एक नंबर यार.
इतना सा होल है, इतने से होल में से ये गुजरा है अंदर बंदा। चलो ये तो दू ले प्रथमेश पण याचा विचार करतोय, बघू आता प्रथमेश येतोय काय, कारण मला आतमध्ये अजून जायचंय, विचार चाललाय, पण प्रथमेश आला तरच जाईन। प्रथमेश येतोय, मेहनत करतोय। अरे ये 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 आलो आला क्लासिक भाई भाई घुस गए घुस गए घुस गए भाई आलेला आहे प्रथमेश छोट्याशा गुहेमध्ये। ये भाई साहब ये दोनों अगर मैं इसके साथ रहा ना यहाँ पे अच्छा है, मैं बहुत जल्द मुंबई रिटर्न जा रहा हूँ, वरना मैं इधर का आदिमानव हो जाऊंगा इसके साथ रह रहे के। आपको दिखाता हूँ मैं इतने से इसमें से आया हूँ, और वो भी ऐसे पूरा मोड़ के आया हूँ। पकड़ लगे कोई ऐसे पता नहीं अभी मैं बाहर कैसे जाऊंगा। एंशियंट केव्स देखो यार मतलब आप देख सकते हो तो एंडस नहीं देखो, यहाँ पे लेफ्ट में एंड है इधर, बट राइट में भाई देखो ये देखो दिख रहा है, ये कोयले के खदान में घुसे हुए दो मजदूर। सोना काय आहे, ही आमची माती, ही आमची कोकणातली माती, इतिहास आहे खरंच, ठीक आहे, पण जेन्युइनली स्पीकिंग आहे ना हे एवढं एक्सप्लोर कोणीच नाही केलं रे कोकण। नाही इझी नाही, एवढं लोकांना वाटतं की इझी आहे पण खूप रिस्की आहे, आणि पुढे ना त्याला अजून दोन वेज आहेत, दोन पुढे दोन फाटे, दोन फाटे इकडे आहे काय, ह्या साइडला एक आहे आणि ह्या साइडला एक आहे, पण याच्या पुढे जाऊ शकत नाही कारण एकदम छोटी छोटासा एकदम छोटासा गुहा आहे, एकदम छोटा छोटा माणूस जाऊ शकतो छोटा वाटलेला पण हा सगळ्यात मोठा निघालाय, तो दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, वो वाला पीछे वाला तो एंड हो रहा था ना, गावातले लोक जे सांगतात ना की एका गावातून दुसऱ्या गावात बाहेर पडतो ते खरं ते कदाचित खरं। हाँ तो ये इसका मतलब यहाँ के जो गाँव वाले कहते हैं कि ये गुफा जो है एक गांव से दूसरे गांव में निकलती है, तो हम लोग को जितने अभी हम लोग ने दो तीन टनल किए हम लोग को उसमें से तो लग नहीं रहा था क्योंकि वो दोनों भी टनल वहां पे एंड हो रहे थे, ये वाला टनल आगे तक जा रहा है, तो शायद से ये टनल दूसरे गांव में खुल सकता है, वी आर अगेन नॉट श्योर, हम लोग किसी के ऊपर कमिट नहीं कर रहे बिकॉज वरना लाला हमारे नाम पे कोई आ जाएगा और खुल से अगर निकल नहीं पाया हम लोग को तो आप हमारे भरोसे मत आना। हाँ भाई क्योंकि अगर हारे हो आपकी बॉडी देख के। हाँ सीरियसली स्पीकिंग बिकॉज आई डिडंट थिंक कि संचित अंदर घुस पाएगा, बट समहाउ ही इज सो फ्लेक्सिबल, और भाई तुम्हारा भाई ने भी थोड़ा वेट कम कर लिया है तो हम मैं भी घुस पाया हूँ अंदर, और माझा आधीच्या वेट ने मी आतमध्ये आलो नसतो, पूर्णपणे चिखलात लोळल्यासारखं झालंय, चिखलात लोळल्यासारखं। मैं कैमरा रख रहा हूँ यहाँ पे और मैं पीछे जा रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं पीछे नहीं जाऊंगा संचित नहीं आ पाएगा, और पूरा ऐसे मेरे को लग रहा है नागिन डांस करके जाना पड़ेगा, अभी जाते वो थोड़ा ऐसे अंदाजे से निकलना पड़ रहा है मेरे को भैया, अरे 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 पूरा फिसलन है भाई। तो भाई अभी वी आर गोइंग बैक बिकॉज आते वक्त तो सामने देख रहे थे तो पता चल रहा था किधर जाना है, पर साला पीछे का कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरा टर्न है पूरा उल्टा, तो और डैडी भी पीछे है बहुत लंबा है, तो डैडी को भी नहीं बुला सकता, बट तो अभी शायद मेरे को थोड़ा रूट मिल गया है तो मैं जा रहा हूँ नीचे। ये भैया अरे मैं फाइनली बाहर आ गया हूँ, संचित अभी भी अंदर है, संचित आ रहा है, इज ऑन हिज वे, डैड यहाँ पे अकेले बैठे थे बिकॉज हमारी बैग्स यहाँ पे थी और रास्ता बहुत छोटा था तो हम लोग को उनको लेके नहीं जाना था, और यहाँ से हम लोग बाहर निकले, सोचो वो जो अंदर छोटा सा होल दिख रहा है वो वाला, बस उधर लेफ्ट में एक होल है
वहां से हम लोग निकले। डैड बैठे बैठे यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे क्या क्या है देखने लायक। और ये देखो हमारी हालत, कपड़े देखो भाई, कपड़े देख लो, ये देखो पूरा देख लो, दिख रहा है ये पूरी हालत हो गई है, ये हो गया हालत, ये देखो ये, तो ये कपड़ों की हालत देखो भाई। तो कब से संजीत बोल रहा था ये जो हम लोग साइड में जा रहे थे, तो साइड में हाथ में थोड़ा सा चिपचिपा चिपचिपा क्या लग रहा है, तो अगर आप देख सकते हो मेरे होल्स है, वो होल्स में से कंटिन्यूस पानी थोड़ा थोड़ा आता है नीचे बारिश के टाइम पे, और इसमें उल्टा डालो उल्टा डालो, तो ये बारिश के टाइम पे यहाँ से कंटिन्यूस पानी आता है और उसके वजह से यहाँ पे ये पूरा फंगस आ गया है और वो हाथ में से चिपचिपा लग रहा है। हाँ भाई, फाइनली 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 मैं आके बैठ गया, ये भाई अभी बाहर निकला है। तो ये जो होल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये होल्स है हाँ, है ना, पानी येत असतला आणि है ना वटवागळा येत अभी दो तीन तो ऐसे मुंह पे आ गई। आता आम्ही बाहेर चाललोय, बऱ्यापैकी गोवा एक्सप्लोर झाली, म्हणजे बरीच फिरली, म्हणजे पूर्ण फिरली, बरीच नाही हाँ जेवढे याचे। वाव मजा आली। संचित ये साइड से घुस रहा है, मैं ये साइड से घुस रहा हूँ। अरे भैया ये एक नेचुरल होल है यहाँ पे, तो ये जंगली श्वापद वगैरह खूब असते थे। अरे ये भाई मरणाची, ये भाई इकडे बघा, इकडे बघा, अजून एक होल है, आता फुल हारपर है। अरे भैया यहाँ पे, यहाँ पे अभी हम लोग घुस रहे हैं। अरे यार सही सही, ये नेचुरल नहीं है ना, नहीं नहीं वाह वाह, ये पूजा अलग ही है भैया। ये देखो ये बाजू से आपको दिख रहा है, ये नेचुरल है। तो यहाँ पे तो लोग देख पार्टी वार्टी हो रही है, देखो तो ये संचित है, ये मैं हूँ, ये पार्टी हो रही है। तो आगे पुढे अजून भाई, हाँ अरे तू सगळे हाय माझ्याकडे पाठवलेस। तो ऐसे तो अभी हम लोग को यही लग रहा है कि एक एक बैट का अभी हमारे ऊपर हमला हो रहा है, ऐसे लग रहा है भाई पूरी अंदर भूल भुलैया इधर, और कहाँ कहाँ से बैट घुस रहे हमारे ऊपर पता नहीं, मतलब धार 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 आ रहे दिमाग रही है। तो आई रियली डोंट नो अगर आप लोगों को दिख पा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो छोटी सी वाइट लाइन आ रही है वो बाहर का सूरज का प्रकाश है, वो तो वहाँ से एग्जिट है, वो देखिए उधर। तो ये हम लोग वहाँ से घुसे अंदर और ये पूरा एरिया एक्सप्लोर किया, अभी यहाँ से बाहर जा रहे हैं ना, गेलस ना रे। ओ भाई साहब ये है हम, तो ये आ रहे हैं बाहर। पापा अभी भी आ रहे हैं, यो यो हलूड़ यो, बहुत सही आ गया। अभी थोड़ा ऑक्सीजन अच्छा वाला मिल रहा है, वरना अंदर ऑक्सीजन की तो भाई वांदे ही है। अजून वाईज आत मध्ये जायचं तर ऑक्सिजनचा टँक घेऊन जाऊ गया होय, बिकॉज और अगर हम लोग अंदर डीप जाते ना तो वहाँ पे पक्का ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता था, बिकॉज थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग का इशू हो रहा था अंदर, बट नाउ फीलिंग बेटर। तो अब देख सकते हो यार बहुत सही है, देखो कितनी बड़ी है, और मतलब सही भाई बहुत मजा आ गया संचित यार, खरच रियली थैंक्स मैन। मतलब जिधर अंदर अंदर घुसे ना हम लोग, थोड़ा बाहर आने दो, थोड़ा लाइट में आता हूँ तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिख रहा है और मैं कैसे दिख रहा हूँ। डैड के हाथ में कैमरा देता हूँ और दिखाता हूँ आपको।
ये संचित, ये टी शर्ट देखो पूरा अंदर जाते वक्त और अभी बाहर आने के बाद। तो भाई अंदर से हो गया शूट डन, पूरी ऑलमोस्ट पूरी केव एक्सप्लोर हो गई है। अभी यहाँ पे एक बावड़ी दिख रही है तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं थोड़ा हाथ पैर धोने, बिकॉज आप लोगों ने देख लिया पूरा चिपक गया है, मतलब क्या बाजू ने मतलब पूरा सब वाइट वाइट चिपक गया, वो फंगस और ये क्या बोलते हैं वो जो जमदादर थे उनकी पॉट्टी भी शायद से चिपक गई है। कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यहाँ पर भी इसने इधर भी नंबर लगा लिया, इसका हो गया है। मैं आता हूँ अरे काकिंग का नहीं, काकिंग का काम अगला हो ले नहीं। संचित सता ही चालू हुआ। तो ये हो रहा है फर्स्ट कोलैबोरेशन में हमारे चैनल पर पहली बार। ये है संचित ठाकुर और इनको मिलने वाले महाराष्ट्र श्री। अभी टाइम आ गया है आपको बाय बाय बोलने का। बहुत मजा आया, बहुत फन किया एंड ऑल थैंक्स टू संचित ठाकुर भाई, एक्सट्रीमली थैंक्स यार, मतलब इधर से दिल से, बिकॉज भाई के वजह से हम लोग को ये जगह कोकण में एक्सप्लोर करने मिल गई है। और ऐसी बहुत सारी जगह है जो कोकण में अनएक्सप्लोर्ड है। मैं मेरी इस ट्रिप में जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करने को ट्राई करूँगा, बट उससे भी ज़्यादा आप लोगों को जानना है और भी मिस्टीरियस प्लेसेस को आपको देखना है और अनएक्सप्लोर्ड कोकण देखना है जहाँ जहाँ पे केव्स है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब संचित ठाकुर व्लॉग्स और मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको इतना सा भी मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ भाई लाइक ठोक देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और उसके बाजू की जो बेल आइकन है उसको दबा के आने वाले नोटिफिकेशन के लिए रेडी हो जाना। तो मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन यू गाइस, खात रवा, फिरत रवा, एकदम मजेत रवा एंड प्लीज़ बी काइंड टू एनिमल एंड नेचर।